हेलो स्टूडेंट्स, सभी एमकेसीएस का एमकेजेन क्लासेस के स्टूडेंट्स का इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैं वेलकम करता हूं। आज का जो ये प्रोग्राम है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, आप जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं या जो बच्चे 8th में हमारे पास में आए हैं जिनको एनटीएससी का प्रिपरेशन करना है, आप सबके पास कुछ न कुछ टारगेट था, उसी टारगेट को लेके आप हमारे पास में आए हैं। तो ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके जो 2 साल के लिए आप हमारे पास में आए हो उसकी पूरी लाइन लेंथ और उसके रिजल्ट को जो है वो मेंटेन करेगा, उसको डिसाइड करेगा। आप सब लोग किसी न किसी टारगेट के साथ आए थे। आप 8th क्लास में आपने एमकेजेन क्लासेस को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि आप एनटीएससी एसटीएससी ओलंपियाड्स इसको क्रैक करना चाहते थे और फाउंडेशन के साथ में आप आगे जाके आईआईटी मेडिकल में जाना चाहते थे। आपने 10th के बाद 11th में बायोलॉजी और मैथ्स लेकर और एमकेजेन क्लासेस को एसआईपी प्रोग्राम को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि आप आगे मेडिकल में आईआईटी में केवीपीवाई में इंडिया के बेस्ट कॉलेज में या फिर आप आईएएस आईपीएस कहीं आप जाना चाहते थे, इसीलिए आपने एमकेजेन क्लासेस को ज्वाइन किया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप सबके साथ कुछ न कुछ टारगेट था, इसीलिए आपने एमकेजेसी एमकेसीएस बनने का निर्णय लिया। मुझे 35 साल हो गए हैं और इस 35 सालों के अंदर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जैसलमेर से लेके और जबलपुर तक, भुवनेश्वर से लेकर भावनगर तक और इंडिया से लेकर और यूके तक और यूके से लेके यूएस तक और यूएस से लेके इंडिया तक, एमकेजेन क्लासेस ने 800 से ज्यादा डॉक्टर दिए हैं और लगभग 16,000 से ज्यादा इंजीनियर्स दिए हैं जो सोसाइटी में अलग अलग जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अगर मेरे से कोई पूछेगा कि क्या आपने इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन करवाया, तो मैं यकीन के साथ आपसे कह सकता हूं कि मैंने नहीं करवाया। ये उस बीज की ताकत थी जो पेड़ बना, और न केवल पेड़ बना बल्कि आज हिंदुस्तान और विश्व के कोने कोने में अपनी सुगंध को फैला रहा है, अपने परिवार को, अपने देश को, हमारे नाम को, एमकेजेसी को अलग अलग जगह फैला रहा है। ये बीज की ताकत थी। एमकेजेन क्लासेस ने क्या किया? एमकेजेन क्लासेस ने उनको अच्छी सुविधाएं दी, एमकेजेन क्लासेस ने उनको अच्छी एजुकेशन दी, एमकेजेन क्लासेस ने उनकी लाइफ में जो कुछ बेटर हो सकता है वैसे गुण डाले, संस्कार डाले। एमकेजेन क्लासेस ने उनको जो यहाँ की फैकल्टी होती है पढ़ाई के साथ साथ पर्सनली उनके साथ इन्वॉल्व हुए और उनकी छोटी से छोटी समस्या को जिनका जो उनका परिवार भी नहीं समझता था उसको समझ के उनको आगे बढ़ाया। लेकिन फिर भी यकीन मानिए, एमकेजेन क्लासेस ने केवल एक पार्ट, सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर सिक्के को हाथ में लेंगे तो दोनों पहलू आपके हाथ में आएंगे, लेकिन एमकेजेन क्लासेस ने एक पार्ट पे काम किया, दूसरे पार्ट पे वही बच्चे सक्सेसफुल हुए जिस बीज में, जिस बच्चे में ताकत थी। आपने कभी सुना होगा, वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगाए। गुना मीन्स खरपतवार, वीड्स जो मेन क्रॉप होती है उसके साथ जो खरपतवार वो कोई नहीं उगाता है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगा है। तो वही बीज पनपा क्योंकि बीच में तो केवल 10 बच्चे नहीं थे, 50 बच्चे थे, लेकिन 50 में से 10 निकले, 400 में से 10 निकले, 400 में से 40 निकले, 500 में से कभी 30 निकले। ये क्या था? वो 10 20 30 बच्चे थे जिनमें ताकत थी, जिनमें कमिटमेंट था, अपने टारगेट की तरफ जाने का कमिटमेंट था। ये एमकेजेन क्लासेस से बाहर निकले और मेडिकल और आईआईटी में गए। मैं आज दावा करके कह सकता हूं कि कोई बच्चा मेरे पास आया हो और मैंने उसको गोदी में उठा के आओ ये एनटीएससी में आपका सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल नहीं। या 10th के बाद 11th में आया, 12th किया, उसको उठा के मैंने कहा हो कि चलो ये एमबीबीएस का कॉलेज है, मैं आपको यहाँ बिठा के आता हूँ, बिल्कुल नहीं। ये आईआईटी कानपुर है, खड़गपुर है, बॉम्बे, मैं आपको बिठा के आता हूँ, बिल्कुल नहीं। ये उस बच्चे की ताकत थी जो वहां पर पहुंच गया। तो इस सब बच्चों को मैं इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कहता हूं कि आपकी ताकत के बल पर आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। हमारा रोल हम बहुत अच्छी तरह से प्ले करेंगे।
दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस बच्चे के अंदर जिद होगा, जुनून होगा, एंथुसिया होगा, वही बच्चा निकलेगा। याद रखिए, जीतने की जीतना इरिलेवेंट, लेकिन जीतने की चाहत वेरी इंपॉर्टेंट। डेस्टिनेशन पे, मंजिल पे पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे इरिलेवेंट, लेकिन मंजिल की तरफ रास्ते पे चलना वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने चलना नहीं छोड़ा, याद रखिए दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, याद रखिए, हारा वो है जो लड़ा नहीं है, जो लड़ा है वो हारा नहीं है। ये जीवन का सत्य है। हारा वही है जो लड़ा नहीं है, जो लड़ा है वो हारा नहीं है। ये बात ध्यान रखना। तो आप में जिद, जुनून भयंकर होना चाहिए, इस पॉइंट तक होना चाहिए कि मुझे करके बताना है, मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा, और इसी का एक विचार चलना चाहिए आपके दिमाग के अंदर। रही बात हमारी, तो हिंदुस्तान के बहुत कोचिंग सेंटर हैं, लेकिन केवल 10% कोचिंग सेंटर ऐसे होंगे जिनका नाम किसी उसी कोचिंग सेंटर के मालिक के नाम पर या उसी मालिक से रिलेटेड लोगों के नाम पर रखे गए होंगे। हमने भी ये कोचिंग का नाम रखा है, MKJN क्लासेस, मैंने मेरे नाम पे रखा, क्योंकि पहले दिन मेरे पास डिक्शनरी में बहुत सारे नाम आए थे, कई लोगों ने मुझे राय दी थी, ये रख दीजिए, ऑक्सफोर्ड रख दीजिए, स्टार रख दीजिए, टैलेंट रख दीजिए, ये रख दीजिए। मैंने नहीं रखा, क्योंकि मैं जानता था कि मैं अगर इसको MKJN क्लासेस रखूंगा तो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, इसकी अच्छाई होगी तो उसका लाभ भी मुझे मिलेगा, और इसकी बुराई होगा तो उसका भी सारा सुनना मुझे ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसका नाम MKJN क्लासेस रखा। और मैंने जब इसका नाम MKJN क्लासेस रखा, तो कीप इन माइंड, आप सोच सकते हैं, मैं अपने नाम को खराब होने नहीं दूंगा एट एनी कॉस्ट। इसलिए हम पूरी तरह से, जबरदस्त तरीके से इस सब काम को अपनी पूरी ताकत के साथ करेंगे। लेकिन आप अगर घर पर, आपको आपके पेरेंट्स को कहना पड़े कि मोबाइल के हाथ मत लगाओ, टीवी कम देखो, राइट, दोस्तों के साथ कम घूमो, पढ़ाई में ज़्यादा टाइम दो, तो यकीन मानिए आपका नाम तो मेडिकल कॉलेज में आने वाला नहीं है, आपका नाम तो NTSC की लिस्ट में आने वाला नहीं है, आपका नाम तो IIT को भूल जाइए, आज भूल जाइए, लिख लीजिए। क्योंकि आपको पढ़ाई के बजाय इस काम के लिए कहना पड़ रहा है। तो लड़ाई दो तरह की होती है, एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़ाई तो पढ़ाई की है, ऑर्डिनरी लड़ाई ये है, इतनी बजे उठो, इतनी बजे सो, मोबाइल को कम देखो, टीवी को कम देखो, ये ऑर्डिनरी लड़ाई है। तो चॉइस इज योर्स, आपको ऑर्डिनरी लड़ाई लड़नी है या फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़ाई लड़नी है, चॉइस इज योर्स। ये आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मैं इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको कह रहा हूं। अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़ाई की तरफ फोकस कर लिया और 2 साल अगर उस लड़ाई को लड़ लिया, तो यकीन मानिए आप पूरे जीवन के लिए विनर बन जाएंगे। और अगर आपने ये जो 2 साल हैं आपके, इसमें छोटी लड़ाई है लड़ ली, मोबाइल से कैसे बाहर निकलूं, सर दर्द से कैसे बाहर निकलूं, राइट, दोस्तों के साथ घूमना कैसे बंद करूं, ये छोटी छोटी समस्याओं पे टीचर से बात कर ली और इससे इसमें फंस गए, या तो बात कर ली या फंस गए, तो मान लीजिए पूरे जीवन भर आप लूजर कहलाएंगे। चॉइस इज योर्स, आप लूजर बनना चाहते हैं या लाइफ लॉन्ग विनर बनना चाहते हैं। 80-90 साल का जीवन है दोस्तों, अभी तो आप 15-16 साल, 17 साल के आए हो, आपके सामने 70-80 साल पड़े हुए हैं, जीवन इतना लंबा है। तो आज इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैं सारे MKCN से कहता हूं, जुनून के साथ, जिद के साथ लग जाओ, जुट जाओ, 2 साल पूरी तरह से अपने आप को डुबो दो। जिस दिन आप ये विचार आज कर लेंगे, तो आप आज विनर बन जाएंगे, आप ये विचार कल करेंगे तो कल विनर बन जाएंगे। एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मैं हमेशा कहता हूं, राइट। बचपन में सोचो, आपको आपके टीचर ने टेबल्स लर्न कराए होंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। सोचो 40 40 50 50 60 60 बार वो टेबल को बुलवा बुलवा के पूरी क्लास में गीत गाया। इसलिए जब आप इन 2 साल के लिए आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो या अच्छी बातों को, इनको भी बार 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 रिपीट करते जाइए, रिपीट करते जाइए, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करिए, लेकिन अपने आज की चिंता जरूर करिए, तो आई थिंक कल अपने आप बेटर होगा। तो ये इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में
मेरा सभी बच्चों से कहना है एम के जेन क्लासेस के, जिन्होंने 2 साल के लिए मेडिकल KVPY बहुत बड़े बड़े एग्जाम के सपने देख के बोर्ड में मेरिट में आएंगे ऐसे सपने देख के हमारी क्लासेस में ज्वाइन किया एम के जेन क्लासेस को, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगर आप 1 कदम बढ़ाओगे मैं 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाऊंगा। मैं एम के जैन आपसे प्रॉमिस करता हूँ, यहाँ की फैकल्टी डॉक्टर NS जैन, आज उनको पढ़ाते हुए 25 साल हो गए। यूट्यूब पे अगर आप देखोगे बायोलॉजी के अंदर तो हिंदुस्तान के जो टॉप टीचर्स के नाम आते हैं उनमें डॉक्टर NS जैन का नाम है इस उदयपुर का, और आपका सौभाग्य है कि आप उनसे बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान के 70% लोग जो बच्चे बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके टीचर बनना चाहते हैं, चाहे यूपी उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ कहीं के भी हो, आप उन ऐसे टीचर से आप पढ़ रहे हो तो ये आपका सौभाग्य। मैं टीचर का भी इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। पीजे सर मैथमेटिक्स के, संस्कारों को देना, काम को कराना और उस काम को करा के स्ट्रिक्ट रहते हुए आपको उस पॉइंट पे लाना, ऐसा टीचर मिलना आज के जमाने में बहुत बिरला है। डॉक्टर DK अग्रवाल मास्टर माइंड इन फिजिक्स, बच्चों को, इतने बच्चों को उन्होंने पढ़ा डाला है हिंदुस्तान के कोने कोने में, कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में आज फिजिक्स पढ़े हुए उनको बच्चे आज भी नहीं भूलते हैं। और उसके साथ साथ एम के जैन क्लासेस में 22-23 टीचर्स की पूरी टीम है केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी की, जो असिस्टेंट टीचर्स असिस्टेंट प्रोफेसर्स ये सब लगे हुए हैं और आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। बस जरूरत है आपको एक अच्छा कदम अपने टारगेट की तरफ बढ़ाने की। तो आज इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम से आप ये सीख के जाएं कि सारी उन बातों को जो ऑर्डिनरी है उनको छोड़िए और 2 साल के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट, केवल 2 साल के लिए, ज्यादा नहीं पकड़िए, फिर पूरा जीवन आप आनंद करेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम।